12 साल के बच्चे ने कूड़ा सैरिगेशन को लेकर बनाई वीडियो, लोगों को किया सूखा और गीला कूड़ा अलग करने की अपील। बच्चे के हौसला अफजाई के लिए सैनिटेशन इंस्पेक्टर ने किया सम्मानित। मणिमाजरा नगर निगम द्वारा लगातार लोगों को सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कुछ लोग अभी भी कूड़े को अलग रखने की इस प्रक्रिया को अपना नहीं रहे, जिसे देखते हुए मणिमाजरा के 12 साल के बच्चे आरफ राणा ने एक वीडियो तैयार की, जिसमें उसने लोगों को कूड़ा अलग अलग करने के लिए अपील की। आरफ राणा की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। वीडियो इतनी वायरल हुई कि वीडियो चंडीगढ़ सैनिटेशन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर देवेंद्र रोहिला के मोबाइल पर भी पहुंच गई, जिसके बाद रोहिला ने बच्चे को ढूंढकर उसके घर जाकर उसे सम्मानित किया। सर, आज आप बच्चे को गिफ्ट देने आए? जैसे कि आपको पता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है 2023, और बच्चे को हमने देखा कि पार्क में कुछ बोतलें, खाली बोतलें पड़ी हुई थी डिस्पोजेबल, तो बच्चे ने बड़ी समझदारी से उनको उठाते हुए डस्टबिन में डाला। इससे एक अच्छा एग्जांपल जाता है कि बड़ों को भी बच्चे से शिक्षा लेनी चाहिए। लोग गंद गिरना तो जानते हैं पर उठाना नहीं। इस बच्चे ने बड़ा अच्छी शुरुआत की है। आरव राणा नाम है लड़के का, 3rd क्लास में है ये, और बड़े ही अच्छे। इसके पेरेंट्स को मैं बधाई दूंगा कि नगर निगम की तरफ से कि बहुत अच्छे बच्चे को संस्कार दिए हैं कि भाई जो पार्क में भी जाके गंदगी को दूर करना चाहता है। नहीं, आजकल बच्चों में ये नहीं पाया जाता। हम अपने ड्राइव करने के बाद ना पार्क से निकल रहे थे, तो वहाँ देखा मैंने, कुछ देर के लिए हम बैठे थे तो वहाँ लड़के को देखा, और बाद में इनकी वीडियो भी चैनल पर जारी हुई, वो भी देखी मैंने। तो मैंने क्यों ना ऐसे बच्चे को प्रतिभा को संवारते हुए उसको सम्मानित किया जाए। तो मैं नगर निगम से इंस्पेक्टर देवेंद्र को सम्मानित करने आया उनके घर पे, और उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ। तो आपने आराम से बात करते हुए क्या बताया कि मेरे को कहाँ से पता चला कि गीले सूखे को आप जी 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 हाँ बिल्कुल जी पता है छोटे से बच्चे को जी आई थिंक 10 या 12 साल का बच्चा। हाँ बिल्कुल, बच्चे से बात करी, बच्चा कहते कहते देखो जी पर्यावरण को साफ रखना बहुत जरूरी है, और कहते जी मेरे को पार्क में लगा कि लोग ये डस्ट फैला रहे हैं खाम खा के, तो मैं अपनी तरफ से क्यों ना इसको कलेक्ट करके डस्टबिन में डालूँ। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सब लोगों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, कोई भी अच्छा काम करता है तो नगर निगम उसके साथ खड़ी है और उसको सम्मानित हम करेंगे। बिल्कुल जी, देखो बच्चों को अच्छा बुरा बनाने में पेरेंट्स का अहम रोल होता है, तो मैं यही चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को इस तरह की शिक्षा दें, और ताकि हम चंडीगढ़ को नंबर 1 बना सकें। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरव राणा है। आपने ये बोतल उठा के डस्टबिन में क्यों फेंकी? क्योंकि अगर यहाँ पे पॉल्यूशन कूड़ा रहेगा तो पॉल्यूशन होएगा, और हमें इसे अलग अलग करके डालना चाहिए, सूखा कचरा गीला कचरा। आपने कहाँ पढ़ा ये गीला कचरा सूखा कचरा? ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, और मैंने मम्मी को भी बताया। क्या बताया था मम्मी को? कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग करके डालना है। और लोगों को क्या बोलेंगे आप? कचरा ना आसपास ना फेंके, अगर फेंकना है तो डस्टबिन में फेंके, और प्लास्टिक बैग और सूखा कचरा गीला कचरा इन सबको अलग अलग करके डालें। सर स्टडी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज आरव राणा। क्या कहना चाहेंगे आप? दैट आई रियली लाइक इट, दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड अदर थिंग्स। आपने वीडियो आपने कहाँ देखा? आई सॉ इट ऑन न्यूज़पेपर और ऑन थिंग सेड टू पब्लिक मैसेज दैट वी शुड टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ओके, ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।